नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ स्वाति। खबर आपके सामने लेके आए हैं उत्तर प्रदेश की। दरअसल उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक मुस्लिम परिवार के खिलाफ फतवा जारी किया गया है। आखिर ये फतवा क्यों जारी किया गया, अगर आप ये जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। आपको बता दें कि वहां पर रहने वाली रूबी आसिफ खान के नाम जो है वो फतवा जारी किया गया है। रूबी आसिफ खान नाम की मुस्लिम महिला ने दरअसल घर में गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर दी, जिसके बाद वो मौलानाओं के निशाने पर आ गई। मुस्लिम महिला का इस दौरान कहना है कि वो हिंदुओं का हर पर्व मनाती है और आगे भी मनाती रहेगी। वहीं आपको बता दें कि फतवा जारी करने वाले मुफ्ती अरशद फारूकी का कहना है कि इस्लाम में केवल अल्लाह की ही इबादत करने को कहा गया है। ये मामला अलीगढ़ के थाना में जा चुका है और शाहजहां माल स्थित ADA कॉलोनी में के निवासी भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा के जयगंज मंडल उपाध्यक्ष रूबी आसिफ खान अपने पति आसिफ खान के साथ भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा को बाजार से खरीद कर लाई और अपने घर में उनके द्वारा उन्हें स्थापित कर दिया। आपको बता दें कि रूबी आसिफ खान ने इस दौरान कहा है कि मैंने अपने घर में भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित की है 7 दिन के लिए और मैं किसी जाति धर्म में कोई भेदभाव नहीं मानती हूँ। मैं सभी धर्मों को, सभी त्योहारों को मानती हूँ और ये मेरे मन की आस्था है। मुझे अच्छा लगता है भगवान श्री गणेश जी की पूजा करना, ये सब करना उन्हें पसंद है। उन्होंने कहा कि पूजा अर्चना को लेकर मेरे खिलाफ पहले भी कई फतवे जो हैं वो जारी किए जा चुके हैं। रूबी आसिफ खान ने हिंदू देवी देवताओं की पूजा याचिका करने पर विवादित बयान देने वाले सहारनपुर के मुफ्ती अरशद फारूकी को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि ये लोग देश का बंटवारा करना चाहते हैं। ऐसे मौलवी कभी सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते हैं, ये उग्रवादी और जिहादी हैं। ये बड़ी बात उन्होंने कही। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि ये लोग खुद भेदभाव करना चाहते हैं, हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान की बात नहीं करते, ये जिहादी लोग हैं, फतवे जारी करते हैं। ये सच्चे मुसलमान होते तो इस तरह की बातें नहीं करते। ये बड़ा बयान उन्होंने कहा है और ये बड़ी खबर आपको हमने पहुंचाई हुई है कि किस तरह से एक मुस्लिम परिवार के खिलाफ फतवा जारी किया है, सिर्फ इसलिए कि उनके द्वारा जो है अपने घर में गणपति जी की मूर्ति लाकर उसे स्थापित किया और उसकी पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं रूबी आसिफ खान जो है उनका कहना है कि वो हर हिंदू धर्म, हर त्योहार को मनाती हैं, वो धर्मों में विश्वास नहीं करती, वो इंसानियत में विश्वास करती हैं। वहीं इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के साथ।